हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ने वाले इस वीडियो में विद्युत कक्ष संबंधी गॉस का प्रमेय लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए, है ना। तो सबसे पहले हमको गॉस का प्रमेय समझना पड़ेगा। इसको हम समझेंगे चित्र की सहायता से और उसके गणितीय रूप की सहायता से, किस प्रकार से हम उसको प्रदर्शित करेंगे और उसके आधार पर हम उस गॉस के प्रमेय को समझाएंगे, है ना। तो ये प्रमेय है विद्युत कक्ष संबंधी, है ना। तो पिछले वीडियो में देखा था हमने विद्युत कक्ष क्या होता है, कि एक प्लस क्यू आवेश से निर्मित हम क्या बनाएंगे, एक विद्युत क्षेत्र प्राप्त करेंगे, है ना। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। और इस विद्युत क्षेत्र में एक हमने क्या ले लिया, पृष्ठ ले लिया, एक गोला ले लिया, है ना, गोले का पृष्ठ ले लिया एस, है ना, जिसका अल्प क्षेत्रफल कितना है, डी एस है, ठीक है। अब इस प्लस क्यू से आर दूरी पर, है ना, डीएस एक क्षेत्रफल ले रहे हम इस गोले का, है ना, जिस पर हम बिंदु क्या मान रहे हैं, पी बिंदु मान रहे हैं। तो पी बिंदु मानेंगे तो इस पर कुछ न कुछ बल लगेगा या इस पर कुछ न कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर हम एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं, है ना। तो परीक्षण आवेश क्यू जीरो की कल्पना करते हैं तो इस पर बल लगेगा और बल लगने के कारण बल लगेगा कितना, एफ। और इस क्यू जीरो पर जो बल लग रहा है वह क्या कहलाएगी, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी, है ना, कुछ न कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। वैसे ही इस बिंदु पर भी ले सकते हैं अल्प क्षेत्रफल, इस बिंदु पर भी अल्प क्षेत्रफल ले सकते हैं, है ना। तो मतलब इस पृष्ठ के प्रत्येक प्रत्येक बिंदु को हम अल्प अल्प क्षेत्रफल माने और उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाले तो उसका समाकलन जो होता है पूरा, पूरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह कहलाती है विद्युत फ्लक्स। क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स। अब इस गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा कितना, इसके लिए गॉस ने एक प्रमेय दिया जिसके अनुसार उसने माना है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, या कौन सा पृष्ठ है यहाँ पर, बंद पृष्ठ, है ना। तो किसी बंद पृष्ठ से अभिलंब गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या या संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उस गोले पर उपस्थित कुल आवेश कितना, क्यू का वन अपॉन में कितना होता है, एप्सिलॉन जीरो होना होता है, है ना। ये कहलाता है गॉस का प्रमेय। मतलब जो विद्युत फ्लक्स होगा, पूरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इस गोले की, वह होगी उस पर उपस्थित आवेश क्यू का, जितना भी आवेश है उस पर, उस आवेश क्यू का वन अपॉन में एप्सिलॉन जीरो गुना होगा, है ना। और यही क्या है, गॉस का प्रमेय है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके गणितीय रूप से ही हम उसकी परिभाषा या प्रमेय को लिख सकते हैं। कैसे, कि किसी बंद विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश क्यू का कितना गुना होता है, वन अपॉन में एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। ये लिखना पड़ेगा हमको, है ना। तो यह परिभाषा लिखेंगे हम, किसी क्या लिखेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, कुल बल रेखाओं, कौन सा, कुल विद्युत बल रेखाओं, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं हम क्या, विद्युत बल रेखाओं, या जिसको अपन बोलेंगे विद्युत बल रेखाओं की संख्याओं, संख्या या विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। कौन सा विद्युत फ्लक्स है, संपूर्ण, है ना, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उस पृष्ठ पर उपस्थित, पृष्ठ पर उपस्थित उपस्थित कुल आवेश कैपिटल क्यू का क्या होता है, वन अपॉन में एप्सिलॉन जीरो गुना होता है, है ना। और यही क्या है, गॉस का प्रमेय है, ठीक है। मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली, इस डायरेक्शन में भी गुजर रही है, इस डायरेक्शन में भी गुजर रही है ना,
अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या, जितनी भी विद्युत बल रेखाओं की संख्या है ये ई है ना, जिसको अपन क्या बोलेंगे, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश क्यू का 1/ एप्सिलॉन 0 गुना होता है, यही कहलाता है हमारा गॉस का प्रमेय है ना। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रूफ करना पड़ेगा है ना। इसको याद रखने के लिए केवल इतना से याद रखना है अपने को, प्रमेय को, किसी बंद पृष्ठ के अभिलंब और गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या या संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उस गोले पर उपस्थित कुल आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है ना। यह है उसका गणितीय रूप। अब इसको प्रूफ करना है हमको है ना। तो चित्रानुसार क्या है, यहां पर चित्रानुसार प्लस क्यू आवेश से निर्मित एक विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित है, विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित है जिसमें एक बंद पृष्ठ, एक पृष्ठ कौन सा है, बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ कैपिटल एस गोले के रूप में लिया गया है ना, गोले के रूप में लिया गया है ठीक है। एक विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित है जो कि प्लस क्यू आवेश निर्मित बना हुआ है, और एक गोला मान लेते हम है ना एस का, तो इस गोले के अब ये एक अल्प क्षेत्रफल लेंगे हम, कितना डीएस अल्प क्षेत्रफल लेंगे, तो डीएस पर हम बिंदु पी मानेंगे है ना, और इस पर क्यू जीरो आवेश की कल्पना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीव्रता निकल कर आएगी, और इस गोले से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ई इंटू डीएस होगा है ना। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा कि गोले एस के पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होता है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू होता है डबल इंटीग्रेशन एस ई इंटू कितना डीएस ठीक है, कितना होता है ई इंटू डीएस। यदि यहाँ पर बिंदु पी की क्या करें, कल्पना करें, और बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई है, और यहाँ पर अल्प क्षेत्रफल कितना लिया हुआ है डीएस, तो ऐसे ही बहुत सारे बिंदु हो गए जिसके आप जो उस पूरे पृष्ठ से संबद्ध संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शो करेगा, और इसको हम कहेंगे विद्युत फ्लक्स है ना। तो ये समीकरण नंबर कितना हो गया, एक, मतलब ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम बोल सकते हैं है ना। अब दूसरा क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर ई निकालना पड़ेगा कि इस बिंदु पी पर क्या करते हैं, हम विद्युत क्षेत्र की एक परीक्षण आवेश क्यू जीरो की कल्पना करते हैं, तब प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यदि वो दूरी कितनी है, आर दूरी है ना। तो प्लस क्यू से आर दूरी पर क्या एक बिंदु पी की कल्पना करते हैं जिस पर हम क्या क्यू जीरो आवेश की कल्पना करेंगे, तो उस क्यू जीरो आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई होगी है ना, और वो मान निकालेंगे हम। तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा इसका, क्या आवेश, यहां लिखेंगे क्या आवेश प्लस क्यू के कारण स्मॉल आर दूरी पर है ना स्थित बिंदु पी पर परीक्षण आवेश क्यू जीरो की क्या करते हैं कल्पना करते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस क्यू आवेश आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी ई इक्वल टू 1/4π0 कितना, ये कैपिटल क्यू ले रहे हैं ठीक है। तो क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन में कितना, दूरी कितनी है आर, और उसका क्या हो जाएगा वर्ग,
ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हो जाएगी, है ना। इसको समीकरण नंबर कितना दे देंगे, 2, ठीक है। अब ये समीकरण 2 से E का मान कहाँ पर रखने पर, 2 से E का मान कहाँ रखेंगे हम, ये जो समीकरण 1 निकाला है हमने यहाँ रखेंगे। तो फाइ ई बराबर कितना हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन एस ई इंटू डी एस, है ना, ठीक है। तो यहाँ से फाइ ई इक्वल टू हो जाएगा कितना, फाइ ई इक्वल टू हो जाएगा कितना, डबल इंटीग्रेशन ई की वैल्यू, डबल इंटीग्रेशन एस ई की वैल्यू रखेंगे कितना, 1/4π ε0 कितना, q/r² इंटू कितना हो जाएगा डी एस, ये रखी अपन ने ई की वैल्यू, है ना, ठीक है। तो फाइ ई इक्वल टू हो जाएगा ये 1/4π ε0 q/r² को बाहर निकाल लो, यहाँ पर आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन एस इंटू कितना डी एस, इसको इसके साथ में ले लेंगे, है ना। और डबल इंटीग्रेशन एस इंटू डी एस मतलब क्या हो जाएगा, ये अल्प क्षेत्रफल है और जब हम पृष्ठीय समाकलन करेंगे तो पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, तो और किसके लिए है, गोले के लिए। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल डबल इंटीग्रेशन एस इंटू डी एस इक्वल टू हो जाता है कितना, 4π r² यदि गोला आर त्रिज्या का है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम डबल इंटीग्रेशन एस डी एस की जगह क्या लिखेंगे, 4π r², तो फाइ ई इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/4π ε0 q/r² इंटू 4π r², ठीक है। यहाँ से 4π से ये 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, बचा क्या, q/ε0। तो फाइ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/ε0 इंटू कितना क्यू, मतलब ये क्या है, कुल आवेश है, और इस कुल आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, और यही क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है, गॉस का प्रमेय कहलाता है। मतलब फाइ ई इक्वल टू कितना, q/ε0, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूव हो गया, है ना, ठीक है। यही क्या है, गॉस का प्रमेय है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप, सबसे पहले गॉस का प्रमेय देख रहे हैं। गॉस का प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या या संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बस इसी से देखकर आपकी परिभाषा बन गई, है ना। और ये गोला निकाल लिया हमने, इस बिंदु प्लस क्यू से आर दूरी पर ये बिंदु पी रखा है, इसमें अल्प क्षेत्रफल कितना है, डी एस है। तो डी एस से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई इंटू डी एस हो जाएगा, है ना। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना, ई इंटू डी एस, और ये पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो पूरे का समाकलन करना पड़ेगा, पृष्ठीय समाकलन, और इस ई की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ठीक है। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4π ε0 q/r², जो कि परिचन धनावेश पर निर्भर, यहाँ पर परिचन धनावेश पर निर्भर कर रही है क्या, नहीं, केवल प्लस क्यू आवेश पर निर्भर कर रही है, उनकी बीच की दूरी है आर, तो 1/r² हो जाएगा, है ना, ठीक है। और इसको समीकरण किसमें, समीकरण 2 से ई का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर तो रख देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू निकल कर आएगी, है ना। ई की वैल्यू रख दी यहाँ पर, इनकी डी एस है, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू बाहर निकाल लो, डबल इंटीग्रेशन एस डी एस की वैल्यू क्या निकाल दो, 4π r², 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, q/ε0, ये निकल कर आएगा, ठीक है, बराबर। और यही क्या है, गॉस का प्रमेय है, ठीक। थैंक यू, सुधार लेना।